प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली हार के बाद तंज कसा है। उन्होंने अपने भतीजे सपा प्रमुख अखिलेश यादव का नाम लिए बिना ही सब कुछ कह डाला है। उन्होंने कहा है कि अब जनता का माइंडसेट स्वीकार कर लेना चाहिए। इटावा में शिवपाल सिंह यादव पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने आजमगढ़ और रामपुर में हुई समाजवादी पार्टी की करारी हार के बाद अपनी प्रक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि जनादेश का सभी को सम्मान करना चाहिए। शिवपाल सिंह यादव ने ये भी कहा है कि चुनावी नतीजे स्वीकार कर लेने चाहिए। इसके अलावा उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान के लिए अखिलेश यादव खुद ही दूरी बनाए हुए थे और उन्होंने कहा है कि हम तो सब देख ही रहे थे, हम तो शांत बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि शिवपाल सिंह यादव ने आजमगढ़ और रामपुर में संसदीय उपचुनाव में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के किसी भी उम्मीदवार को नहीं उतारा था और ना ही शिवपाल सिंह यादव उन दोनों सीटों पर प्रचार प्रसार करने के लिए गए थे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि उपचुनाव में उन्होंने अपनी आंखें और कान दोनों बंद कर लिए थे। विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद शिवपाल सिंह यादव लगातार समाजवादी संगठन पर सवाल उठाते रहते हैं। उन्होंने कई बार भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की है। इतना ही नहीं, पिछले दिनों सपा से नाराजगी के बीच शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा में शामिल होने की बात भी आ गई थी, पर शिवपाल ने इन बातों को नकार दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।